जिला रिपोर्ट को आपनको स्वागत करुछि मु बंदिता। देश में कोरोना मामला बढ़ुछि, एभली परिस्थिति में मास्क ही सबठारु बड़ अस्त्र। आमे आपनमानको बारंबार अनुरोध करुछु मास्क पिंधंतु। नोजेटन आरंभ करिछि एक नुआ अभियान हैस मास्क पहनो इंडिया। आपन शपथ करंतु जेपर्यंत महामारी अछि मुहरु मास्क काढ़े नाही। एबे खबर को आसीबा, वरिष्ठ सांबादिक नवीन दास को पुओ मनीष अनुराग हत्या मामलें भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस कार्यानुष्ठान। निलंबित कनेस्टबल प्रसन्न बेहरा को गिरफ्त करा। कोविड गाइडलाइन रो उल्लंघन करिबा, बेआईन भावे बार खोलिबा, अपराधिक षडयंत्र करिबा अभियोग रे कनेस्टबल प्रसन्न बेहरा को गिरफ्त करा। गतकाली प्रसन्न को निलंबित करा। एथिसह होटल मालिक प्रद्युम्न जेना और होटल साउथ सिटी बार मैनेजर को मध्य गिरफ्त करा। प्रसन्न बेहरा नाँ से दफा 120, 269, 270, 52 अबकारी आक्ट 3596 मामला रुजु कर तमाण्ड थाना पुलिस। गतकाली अनिर्दिष्ट समय पर प्रसन्न को निलंबित करथिला कमिश्नरेट पुलिस। गिरफ तीन अभियुक्त को कोर्ट चालाण करा। पुरीर आईटीडीसी होटल बिक्री नाँ से 50 लाख टंका ठकई अभियोग। अभियुक्त अनिकेश साहू को गिरफ्त कला क्राइमब्रांच ईओडब्ल्यू। आईटीडीसी नीलाचल होटल बिक्री मसुधा करथिला अनिकेश। पूर्व ओटीडीसी नाँ से 3 कोटी टंका ठकई कर गिरफ्त चंदन आकाश महांतीर सहयोगी होउछि अनिकेश। 2004 बंद रही नीलाचल होटेल, यहाँ बिक्री करने 3 कोटी टंका अंडर टेबुल डिल होता। तपन महांती अग्रिम 50 लाख टंका नहीं एक ठकई बोली जाणीप तपन ब्रेन स्ट्रोक रो शिकार होई हॉस्पिटल रे भर्ती होती। एभली ओटीडीसी नारे ठके करी पूर्वरु बाबा विजयानंद चौधरी एवं चंदन आकाश गिरफ होई जेल रे अछंती। आमे जत चंदन आकाश महांतीर केस माने न्यूज रे देखिलु जे से अरेस्ट हेछि अगस्ट 22 रे, ता पोरे आमे स्टेप नबा को इच्छा गलु को ईओडब्ल्यू वाला पाखु जाइथिलु। ईओडब्ल्यू वाला हम जेतु हमर गोटे कोटी टंगारु कम थिला सी हम को ये करथिले। तापर कहीला मुझे तालगुणिया थाना केस दिं तालगुणिया थाना केस देखूँ केस देलापर पुणी ईओडब्ल्यू वाला आम केस बर्तमान फाइल कर सारी। आंकर तो स्वास्थ्य उपर मुत फेर कि न आनीपरि किंतु दोषी की निश्चित रूपे दंड दि जाऊ। चंदन आकाश महांती निजक ओटीडीसी अथराइज अफसर बोली परिचय दे राकेश साहू आईटीडीसी अंडर में कंट्राक्ट कर एवं आईटीडीसी रो ऑथराइज्ड एजेंट चंदन साहू निजुक इंपर्सनेट कर से गोटे एग्रीमेंट 2020 मसीह सहित कले पूरी जो अच्छे आईटीडीसी अंडर रे ताको सेल आउट कर लोक मन में विश्वास नापी से मैंने जो एग्रीमेंट कले से एग्रीमेंट रहा डिल्टा है 15 कोटी टकर 15 कोटी टकर डिल है जोटार कि 3 कोटी अंडर टेबुल डिल हम आ 12 कोटी टाँग आईटीडीसी को जीव एवं से लोक मन में तपन महांती मन में विश्वास जन्मवाई से प्रथम कौन कले कले 20 लाख टाँचा आगो आईटीडीसी अकाउंट डिपोजिट कर एग्रीमेंट करदे कथार विश्वास करी तपन महांती 20 लाख टाँचा प्रथम आईटीडीसी जो अकाउंट मैंने दे नंबर से नंबर में डिपोजिट करदे। तापर सबसिक्वेंट स्टेज पाखु आउ 30 लाख इन क्याश नहीं गले टू एक्सपीडेट टू पुश दि वर्क एवं तपन महांती 20 लाख टाँचा आईटीडीसी अकाउंट जमा कर सारे 30 लाख टाँचा बै इन क्याश दे सारापर जितेबले कौन कम्युनिकेशन आईटीडीसी पाखु पाइले ना से मन में सन्देह है सी जा भेरीफाई कले फाइनाल जानले फ्रॉडस्टर। खोलिबो निशा बेपारी रजनीकांत साम्राज्यर गुमर अधिक खोलताड़ अभियुक्त गंजेई बेपारी रजनीकांत पटनायक को रिमांड रे आणिबो पुलिस। रजनीकांत को 4 दिन रिमांड रे आणिबा पई आवेदन करिछि पुलिस। गतकाली गंजेई बेपारी रजनीकांत पटनायक को गिरफ करथिला खलीकोट पुलिस। चढ़ाऊ बेले रजनीकांत संपत्ति देखि टेरा हो जाइथिला पुलिस। रजनीकांत घरे चढ़ाऊ बेले नगद 75,09,000 टंका 8 KG 596 ग्राम सुना अलंकार जबत करथिला पुलिस। 34 KG 94 ग्राम गंजे और 10 KG 10 ग्राम अफिम जबत होता। अधिक तदंत एसटीएफ सहायता नहीं गंजाम पुलिस। अतिरिक्त एसपी एसडीपीओ और 2 थाना अधिकारी को नहीं गठन होई स्वतंत्र टीम एने सूचना गंजाम एसपी ब्रिजेश कुमार राय।
तेज रजनीकांत पुओ को पचराउचरा रजनीकांत किसी सहयोगी चिन्हट कर रजनीकांत किए गंजे किणुते और बिक्री करुते तदंत परिसरभुक्त रजनीकांत बैंक आकाउंट जांच करने सबको बाजेयाप्ति बोली गंजाम एसपी ब्रिजेश राय कहते कोर्टे जाइलापर आम आज रिमांड प्रेयर हो हमें चार दिन का प्रेयर करी छु जिते बड़े से आसीबे से समय रे हमें विस्तृत पचरा पचरी अन्यान्य जो सहयोगी माने अछंती हमें करिबु ता छड़ा जो टेक्निकल इनपुट अच्छी बहुत सा हमें पाखरे आसी जाई छी और हमें से अनुसार रे भी अपना कार्यानुष्ठान को नेबा पाई निर्देश जारी करी छु एसडीपीओ और आईआईसी को एडिशनल एसपी मॉनिटरिंग करुछंती तांका जो इमीडिएटली तांका जो सन अछंती तांका भी थाना रे डाकेवा करके और तांका सांगरे भी कथावार्ता इन्वेस्टिगेशन करबा पाई हमें निर्देश दे सारी छु से किछ सहयोगी पत्र सुता जाना पड़लानी नहीं से जाना पड़ जाई छंती बट दैट इज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अछि बहुत प्राइमरी स्टेज रे अछि तो हमें जते बड़े और अन्य अन्य से विषय रे इन्वेस्टिगेशन रे पदक्षेप नेबू आपनको जनाइबू स्वर्ण अलंकार अच्छी और अन्यान्य तांका विषय रे कि से क्वाल से आनी थिले और कौठे से माने एते रखी चंती से विषय रे भी हमें किसी इन्वेस्टिगेशन रे रिवील हो सारी छी बट अन्यान्य भी जानकारी एवं दरकार अच्छी ते विषय रे तदंत जिते बड़े और आगे को बढ़बो हमें जाना पड़बो कि कहाँ से मैंने एते पैसा जो 75 लाख टंका से रखी चंती 10 किलो अफीम रखी चंती ए विषय रे बहुत गंभीर अनुसंधान का दरकार अच्छी और हमें निश्चित रूप से इसे अनुसार रे ही पदक्षेप निबो महिला कमिशन अध्यक्षांक सरजमीन तदंत सनसाइन स्कूल अध्यापिका ममिता बेहरा हत्या घटना रे सरजमीन तदंत करिछंती महिला कमिशन अध्यक्षा मिनती बेहरा महिला कमिशन अध्यक्षांक नेतृत्व रे चारजणिया टीम आज बलांगीर और कलाहांडी जिला गस्त करिछंती महालिंगरे पहुंची विवादीय स्टेडियम जोंठारे ममिता को हत्या करी पोता जाइथिला से स्थान परिदर्शन करिछंती एहा एक संवेदनशील घटना दोषी को किभलि कठोर कठोर दंड मिलिबो सेतिपई से सरकार को सुपारिश करिबे बोली कहिछंती एहा पूर्वरु से बलांगीर तुरैकेला झरणी गांव को जाई अध्यापिका ममिता मेहर को परिवार को भेटी संवेदना जनाईथिले पुलिस रो तदंत ने परिवार लोके संतोष प्रकाश करिछंती एथि सह मामलार चार्जशीट समय सीमा मध्ये रे दाखल करबा को एसपी को सह आलोचना सरिछि पीड़िता परिवार को किभलि न्याय मिलिबो ता ऊपर गुरुत्व आरोप करा जाइछि हमें विक्टिम रा घर को जाइथिलु ता फैमिली सहित मिसिलु एवं फैमिली बहुत दुख रे अछंती तांकर जगारी अटी चली गला ति पई हम कमिशन तरफ प्रकार कमेंट करिवु तमिल केमती सुत रहिब आर्थिक क्षेत्र केबल भाबरे चल हब सेति पई मन सरकार को रेक करिवु सहित एसडी कागम रे भलो बे चलिब एवं प्रॉब्लम सुष्टा नब सेति पई अभियुक्त गोविंद साह को फांसी देवा को दावी करिछंती ममिता मेहर को बापा सुचंद्र मेहर एथिस पुओ को जाकिरी देवा को से महिला कमिशन अध्यक्षा निकट रे दावी रखिछंती देखुन से माने इस्तिले हमर पीड़ित परिवार के तापर हम तांकर पर गुहारी कोलो जे हम पूरा असुविधा रे छु मोर पुओ गुटे के चाकरी देबार लागि और मोर परिवार जहाँ एवं कष्ट होचे चलवार लगे किसी साहय करवार लगे कहलु आउ दोषी के दंड देवार सहित फांसी तक नवार लगे कहलु आउ मोर झील के न्याय मिलवार लगे कहलु हेते कहलु मो स्त्री देह एवं तो कांदी कांदी पूरा वीक हो जाए से हार्ट पेसेंट दिन को थे दि थर तक सेन्स आउट हो जाऊँच मेडिकाल नौची बचे से गोविंद साहू को ता सांगरे जे पियोन मन स्टु आरंभ कर जे मन दोषी से मन को दंड हो जणे कर तो काम ने ताको हेल्प कर चंदी जेसीबी ड्राइवर ड्रेस खालो कुड़ी छे ए सब दृष्टि नु जे मन दोषी से मन को दंड हो महालिंग सनसाइन कॉलेज शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या मामला भुवनेश्वर रे बीजेपी महिला मोर्चा रो विक्षोभ दलीय कार्यालय रो नवीन निवास जाय महिला मोर्चा रो पदयात्रा कोकी धरी राजधानी रे शोभायात्रा करिछंती शताधिक महिला कर्मी राज्य गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को इस्तफा दाबी रे विक्षोभ करिछि दल दिव्यशंकर को मंत्रिमंडल रो तुरंत बहिष्कार करबाकु बीजेपी महिला मोर्चा दाबी करिछि नवीन निवास जिबा बेले शिशु भवन छक रे पुलिस सह बीजेपी कर्मी मुहामुही होइथिले एवं पुलिस आंदोलनकारी को अटकायबा को नै धस्ताहस्ति मध्ये होइथिला परे पुलिस 300 आंदोलनकारी को गिरफ करिछि ओडिशा
तो महालंग सनसाइन कॉलेज शिक्षयित्री ममिता मेहरा हत्या घटन राज्य सरकार को ऊपर बर्षिछि कांग्रेस। गृहराष्ट्रमंत्री दिवेशंकर मिश्र को इस्तफा दाबी करिसेंती कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश नायक। महालिंग कॉलेज को अहेतुक अनुकंपा दिया जायथिबा कांग्रेस अभियोग करिछि। मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल बरखास्त करा जाय ताकु तदंत परिसरभुक्त करा जाउ बोली कांग्रेस दाबी करिछि। हत्याकांड पछरे मुख्य अभियुक्त को सुरक्षा देबा ता अनुष्ठान को प्रयोजना जोगाई दबा समस्त प्रकार सहायता दबा ए सबु अभियुक्त हिसाब रे एबे संधार बिंदु राज्य सरकार गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को उपरे दुई तीनटी केवल कथा उठेबू। सरकार अति चतुरतार सह जो मेसेज टी दउचंती जे अभियुक्त तो गिरफ हो गला गोविंद साहू को पुलिस गिरफ कर दला आपण माने आउ कहीं पार्टी करचंती कथा केवल अभियुक्त गोविंद साहू पाखरे नहीं एथिरे जो षड्यंत्र दफाटी लगी एक क्यों कौ माने सहायता करुले क्यों कौ माने से अभियुक्त सहित सांडगांड थिला आउ सरकार अहेतुक अनुकंपार पूरा चिट्ठा प्रदेश कांग्रेस आप। ममिता मेहरा हत्या मामलें प्रेसमिट कर विरोधी समालोचनार जवाब बीजेडी दल कही बीजेपी शासित राज्य में महिला प्रति हिंसा बढ़ी चली से सब राज्य बीजेपी नेता पार्टी चुप आईन ता कम करी बीजेपी नेता कही किंतु बीजेडी सरकार दोषी को गिरफ्त कर दंड दि जाए अभियुक्त कि दंड पाइब से कथा चिंता करें बीजेडी सरकार। गतकाली महिला थाना महिला मोर्चा कर्मी व्यवहार को समालोचना करजेडी जो भली भाव से घेरव करोली भाव में भाषा प्रयोग अत्यंत लज्जाजनक एवं निंदनीय। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आगुरी सस्ता राजनीति तो करुले किंतु एबे हीन राजनीति खसी आसुचंती। जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी शासन रोचे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य रोचे यूपी हो बिहार हो आसाम हो एमपी हो सब जगार से ओपिनियन डिफरेंट सब जगार महिला दिनक दिन क्राइम बढ़ी चली खाली क्राइम नहीं अत्यंत जघन्य अपराध बढ़ी चली अत्यंत दुख सह आमको कह पड़ी कि से अपराध रे भारतीय जनता पार्टी नेता मैंने कल भी कही जो नेता मान हृदय जनता के कांदे से नेता मैंने से क्राइम संश्लिष्ट रोचान सेत बड़कूशा भारतीय जनता पार्टी पार्टी चुप आउार महिला मोर्चा सेत बड़क आसी भाषण देवे कि प्रशासन उपरे भरोसा रखु सब धैर्य धरतु न्याय मिले आज्ञा सेत बड़क आपने जो महिला नेता जो जगार सेत देखिए भारतीय जनता पार्टी नेता मैंने जो संश्लिष्ट था भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य से पाखे प्रमाण थाए पुलिस प्रशासन प्रमाण धरिकी आसे से आरेस्ट करे से दंड हुए सेत बड़कूशार भारतीय जनता पार्टी पार्टी चुपचाप बुलेटिन समय नहीं जा छोट विरति। एबे देखिने बाबर स्वतंत्र अभियान सबुज उपकूल सुरक्षित जीवन परिवेश संतुलन पाई जंगल बेस गुरुत्वपूर्ण एकता भल भाव बुझिंट नवरंगपुर जिला उमरकोट ब्लक केशरी बेड़ा ग्रामवासी निजे श्रमदान सह अर्थ खर्च कर सृष्टि करुछंती जंगल केवल जे जंगल सृष्टि करुछंती ता नुहे यार सुरक्षा करी समाज पाई सृष्टि करिछंती उदाहरण जंगल ही एमानक पाई जीवन एकर कि दुई एकर नुहे प्राय तीस एकर जमि में वर्ष वर्ष हेला जंगल सृष्टि करी निजे नेइछंती यार सुरक्षार दायित्व। नवरंगपुर जिला रे प्रतिदिन जंगल नष्ट होबार लागिछि किंतु आज मध्ये एमिति किछि गाँ अछि जोठी जंगल नष्ट करिया परिवर्ते जंगल को सुरक्षा दउचंती एमिति एक गाँ हला नवरंगपुर जिला उमरकोट ब्लॉक केसरी बेड़ा ग्राम गाँरे ना थिला जंगल ना थिला सबुज बड़े जल विभाजिका पक्ष 20 वर्ष तले खुला स्थान रे जे वनीकरण होइतिला रक्षणाबेक्षण अभाव नष्ट होइगला ग्रामर किसी बुद्धिजीवी को एक चिंतार पकड़ दिन समस्त एकाठी हेले कमिटी गठन करी निष्पत्ति नेले एणिकी गाँव रे गछ लगाइबे
गाँवें लोकों दृढ़ मनोबल आज बास्तव रूप नहीं बिना कौन सरकारी सहायतार सृष्टि कर 25-30 एकर जंगल 12 वर्ष है लगे आस प्राय 25-30 एकर सबुज बलय सृष्टि कर सफल होती ग्रामवासी वर्षक 1500-2000 विभिन्न प्रकार गच लगा गछ किणवा आ लगे जहाँ भी खर्च होता संपूर्ण ग्रामवासी बहन कर 25 एकर जगह तक आम गच लगेलो आज्ञा ते गच लगेबा काम के बहुत किसी इति आम के लाभ मिर्चे आयु मिर्चे और जब तक आम के पानी पवन काच पड़े पानी भी आई छे गच रहा तो पानी आसो बोलते सांग तेरे लगल रसी अनमोल गच मन सारलास बाबू ए गच लगावा ते पानी आईसी नल पन्ना आईसी बोलते कहले ते भाई विषय ने भी आम गच भी लगेलु गाँव लोग मीटिंग कले से मीटिंग कला पर विचार कले नाई गच टे लगे आम गाँव भी सुरक्षा हो बोली कहले से गाँव भद्र व्यक्ति सब मिलीमिशिक गचपत्र लगे कर आम गाँव में से गचपत्र लगा है आज्ञा से गचपत्र लगा गच सुरक्षा कर पूरा गाँव लोक हाँ गाँव में चांदा कर बंदमन अच्छे बंदर मछ मन भी ढिला से बंदमन से पैसा है पैसा खर्च कर काम चलाऊ आज गाँव में बास कर 170 परिवार घर पिछा आदाय हो 200 टंका से ही अर्थर पंचायत बंधरे प्रथम माछ चाष कर सेथिरु जो लाभ मिलुची सेथिरु चारा किणवा गच लगाइबा एवं तार रक्षणबेक्षण कराउची जंगल सृष्टि करिबा अपेक्षा रक्षणबेक्षण उपर बेसी गुरुत्व देउचंती लोके जंगल को जगिबा पय ग्रामवासी एक कमिटी गठन करछंती सबुदिन 5 जण पाळी करी पहरा देउचंती जंगल को ग्रामवासी समस्त शिक्षित नहुंती हेले जंगलर उपादेयता और आवश्यकता संपर्क रे खूब सचेतन समस्त हृदयंगम करिछंती जंगलर उपकारिता संपर्क रे जंगल पाई भल वृष्टिपात हेबो परिवेश संतुलन रहिबो आउ ग्रामवासी को मार्गदर्शन करुछन्ति जणे वृद्ध जयराम गंड परिणत बयसरे भी जंगल सुरक्षार आग धाड़ी पुरोधा साजिछन्ति से समस्त को कराउछन्ति सचेतन जयराम को सहयोगर हात बढ़ाई गाँवर बोलीगंड पुनुराम गंड दमुमाली राममाली अभिभत्रा लाखीभत्रा गोपी सांता भली व्यक्ति एबे सबु भितरे सरकारी सहायता मिलु नथिबारु समस्त मनोउणा कहते किटा साधिक गच लगवाक बल मिलता गाँव खाली जगह सबुजी मारे भरी जाता आमर खाली जगह तो अच्छी बोलिकिना जगह कहीं फड़िया रोलिकिना यगार गच लगे बल हम आम गाँव रनति हम पा हम पवन हम गच आका आमर जीवन गच आका आम सबकि गच को आम भल भाव रखा गच को आर सब दिन कहीं आम ठीक करी जत्न करी रखा बोली आम आशा चारा फ्री तो मिलूना आज टाट लगा गोट गोट गच को देकर आम आगे प्रत्येक घर 170 परिवार 200 लेखा चंदा कर बंध जाक निलाम निलु आज बंध पैसा आम गचपत्र किणी आणुचु आ जो तार बाड़ कर जो लोक रखीचु जज्ञा मन को से मन को 6-7 हजार वर्ष को दि हो गछ लगाइबार एक परंपरा गाँवर सान मान बे प्रभावित करोकों रास्ता अनुसरण में लग पड़ गछर उपादेयता और आवश्यकता विषय जानुं आगक जंगल सुरक्षा करने को नहीं शपथ सेपटे गाँ लोकों वनीकरण उद्यम को भूरी भूरी प्रशंसा करमरकोट रेंजर प्रतिश्रुति प्रत वर्ष वनीकरण पर चारा जगैदे आम केसरी बेला जमी रे कमिटी भाई मान संगे केतेक गाँव में मिसी एकत्रित केते गुड़ी को गच लगाई किंबा से गच को आम सुरक्षित रखू एवं आग को भी आम गच लगे बड़ कर सुरक्षित रखू केसरी बेला ग्रामवासी 20 एकर खंडे से जंगल सृष्टि करते वनीकरण करा गोटे समाज समाज भल बार्ता दे प्रत्येक ग्रामवासी एवं जनसाधारण यहीपर निजस्व उद्यम जंगल सृष्टि कले परिवेश संतुलित रहिबो ए जो सबुज बलय तैयारी करार प्रचेषा चली रही बिना सरकारी सहायता रे जो प्रचेषा करा धन्यवाद पात्र ये ग्रामर पुरोधा सारी जयराम गंड प्रथम वाटरसेड तरफ एटार किसी जंगल सृष्टि करा किंतु पर ग्रामवासी निज उद्यम जंगल सृष्टि कर उदाहरण सृष्टि कर नवरंगपुर केसराभड़ा ग्रामर महेश्वर बेहरा न्यूज 18 ओडिया।
साधारण लोक हूँ अबा सरकार समस्त सचेतन करने आमर यह अभियान उद्देश्य उपकूल से सबुज बल सृष्टि प्राकृतिक विपर्यय ओडिशा को रक्षा करने प्रयास मयूरभंज जिले में गतकाल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विजु स्वास्थ्य कार्ड बंटन शुभारंभ करने जिलार 26 ब्लॉक रे हिताधिकारी को स्मार्ट कार्ड बंटन कर मंत्री विधायक माने हिताधिकारी को विजु स्वास्थ्य कार्ड बंटन करुछंति। गोपबंधु नगर ब्लॉक रे विभिन्न पंचायत रे उच्चशिक्षा मंत्री अरुण साहू हिताधिकारी को स्मार्ट कार्ड बांटिछंति। सीधा सड़क विजु स्वास्थ्य कार्ड बांटिछंति उच्चशिक्षा मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार साहू। मयूरभंज जिलार गोपनगर ब्लक्र विभिन्न पंचायत को निजे जाए हिताधिकारी को सीधासलख बांटे आम सीधासलख आलोचना करवा डॉक्टर अरुण कुमार साहू सहित। सर आम देखल आप गोपनगर ब्लक्र विभिन्न अंचल जाऊँगी और स्वास्थ्य कार्ड बांटुँ ए विषय कौन कह लोक मान्यवर मुख्यमंत्री निर्देश आम विभिन्न पंचायत में विभिन्न गाँव को जा विजु स्वास्थ्य कार्ड को बंटन करण हूँ जनसाधारण को सचेतन करवा यार उपकारिता कौन ये कार्ड केमी व्यवहार करेंगे एवं लोक मान भर बहुत उत्साह अच्छी आम देखल जेहेतु स्वास्थ्य सम्बन्ध में सेमान पाखे एत विशेष सुजोग नथिला बातांको का घरे जदि किए रोग बैराग्य पड़ुले बाहर को लेकिन जीवाक ये कार्ड पाइला फल बहुत खुशी और उत्साहित अच्छा एवं आम प्रत्येक गाँव और प्रत्येक पंचायत को बुलला बेले आमर अनुभव होउची जे ए विजु स्वास्थ्य कार्ड होउची एक जुगांतकारी पदक्षेप जहाँकि भारत बर्षर अनन्य विरल एवं कार्ड द्वारा लोक मैंने जरूर उपकृत हेबे एवं माननीय मुख्यमंत्री जो स्लोगान अछि प्रत्येकटी जीवन मूल्यवान एवं सुखी ओडिशा सुस्थ जनता ए कथाटा प्रमाणित हेबो। सर पूर्व आप प्रजा करते मयूरभंज जिला विभिन्न आदिवासी लोक मैंने भेटुते घोषकर साथी थे बर्तमान आस भेटुन के खुशी अच्छे आप नाई जनसाधारण बहुत खुशी अच्छा ये जो विजु स्वास्थ्य कार्डटा मुझे बहुत जगह बुलू देखुची लोकों भितर बहुत उत्साह अच्छी बहुत खुशी अच्छी माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निपट आदिवासी अंचल आप बुले लोक मिशुंत और सीधा सड़क कार्ड दौरान ये कार्यक्रम के दिन धरी चलो पुणी के अंचल आप बुलवर संभावना अच्छी मु गोपबंधु नगर ब्लक्र जिते पंचायत अच्छी सब पंचायत बुलवि बुलू बुलवि सेमती अन्य जो ब्लक अच्छी आ जो सहरांचल अच्छे से समस्ते बुलकर दौरान ये कार्यक्रम बहुत भल कार्यक्रम जदि कहीपर मयूरभंज जिलार जो लोक मैंने रोते स्वास्थ्य समस्या जो लग रहा से पाखापाखी ओडिशा और ओडिशा बाहर जेको मेडिकाल जी से स्वास्थ्य सेवा पाई सुस्थ निरापद जीवन जापन करने सहित घर को सुस्थ हो फेरी पारे कोरोना कटक बेले कलाकार निरा शोभा बंची विलुप्त लोककला लोकनाच और गीत हेले कोरोना उजाड़ी कलाकार जीवन जीविका संकट में कलाकार स्थल विलुप्त लोक संस्कृति को लोकों पाखे पहुंचाई से जागरण करने सचेतन करने बरगढ़ में पश्चिम ओडिशा कलाकार महासंघ पक्ष आरंभ हो लोककला जागरण और लोककला भेट महोत्सव पश्चिम ओडिशा कलाकार महासंघ अफिस बाहरी कलाकार विशाल सांस्कृतिक राली सामिल होती शह शह कलाकार दुलदुली बाजा झांज मार्दल संकीर्तन बाद्य दुलुकी बरगढ़ सहर कलाकार भत्ता वृद्धि कम सुधरे बैंक ऋण प्रदान दुस्थ कलाकार पक्का घर समस्त कलाकार आर्थिक पैकेज घोषणा दाबी से बरगढ़ सहर में बुली कलाकार विशाल शोभा ढेकाना सड़ंगी रेंज रायघर जंगल में दंता हाथी मृत दीर्घ दिन हेब दंता हाथी असुस्थ हो पड़ा दंता हाथी अंटा हाड़ भांगी जाइथिबारु वन विभाग पक्ष तार चिकित्सा मध्य करा जाउथिला हाथीर आनुमानिक बयस 10 वर्ष हेब बोली जना पड़ी वन विभाग टीम घटनास्थल में पहुंच अधिक तदंत कर
ଗତ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟିନ୍ ଏବଂ ବାଇଜୋସ୍ ଅନେକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ହତବାକ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗଣିତ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ କଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ newsnet.com/youngeniusରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାଇଜୋ ଆପ୍ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସେକ୍ସନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ବାଇଜୋ ସିନିୟର ସିଜନ୍ 2 newsnet.in ଇନିସିଏଟିଭ।